हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे स्कूल लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें कि आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहले हम जानते हैं कार्बन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन के बारे में, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर कार्बन के बारे में है, तो इसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। कार्बन, जैसा कि हमें पता है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है अपने 8th और 9th क्लास में। नॉन मेटल अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो हम थोड़ा सा उसका रिकॉल कर लेते हैं। नॉन मेटल हम किसे कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जैसे कि जिनके जो मैलिएबल नहीं होते, जो सबसे पहले हम कहेंगे नॉन लस्ट्रस, लस्टर नहीं है। लस्टर हम किसको कहते हैं, चमक। लस्टर नहीं है, चमक नहीं है, उनके तार नहीं बनाए जा सकते। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको याद होगा, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, मैलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम, ऐसे पदार्थों को हम नॉन मेटल कहते हैं। याद आया कुछ? ठीक है, अगर आप अभी भी रिकॉल नहीं करा पा रहे हैं तो नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल का भी एक अलग से मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। आप मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल के बाद। नेक्स्ट इज कार्बन का सिंबल। कार्बन का सिंबल है हमारे पास सी। कार्बन का सिंबल है सी। कार्बन को सी से दर्शाया जाता है। सो ये भी एक बात में ध्यान रख लीजिए, आगे से जब भी आप कार्बन लिखेंगे, कार्बन की जगह आप कैपिटल सी लिख सकते हैं, स्मॉल सी नहीं, कैपिटल सी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कार्बो। जो कार्बन वर्ड है वो लैटिन वर्ड, जो लैटिन भाषा का कार्बो वर्ड है, उससे डिराइव किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिकॉज कार्बन इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल। कार्बन का मतलब है कोल, यानी कोयला, और कोयले में सबसे अधिक कार्बन ही पाया जाता है, इसीलिए हम कार्बो कहते हैं। वहीं से इसका कार्बन का नाम पड़ा था, कार्बो अक्षर से कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं आखिर कार्बन पाया कहाँ जाता है। ख़ास बात क्या है कार्बन की, कि बहुत ही छोटी अमाउंट में पाया जाता है, वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही छोटी मात्रा में, कम मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर। पहला है अर्थ क्रस्ट, मतलब धरती के ऊपर कितना पाया जाता है। ऊपर मतलब जो अर्थ क्रस्ट, मतलब जो धरती की सतह है, सतह नीचे 8, 10, 20, 30, 50, 60 किलोमीटर तक में कितना कार्बन पाया जाता है, वो है 0.02%, यानी सिर्फ 0.02% है आपका, यानी कि बहुत कम है। इतना कम कि हम, वैसे तो हमें कहीं ढूंढने से हमें मिलेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस रूप में पाया जाता है, ये मिनरल फॉर्म में पाया जाता है। मिनरल माने तो खनिज फॉर्म में, खनिज के रूप में। खनिज क्या होते हैं आपके पास, कार्बोनेट्स हैं। इसके बारे में भी आप अपने मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद और दूसरी जगह कहाँ पाया जाता है, इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, यानी हमारे आसपास जो एयर है उसमें पाया जाता है। एयर में किस रूप में पाया जाएगा, एयर में एक ही रूप में पाया जाता है, वो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 लिखा है मैंने, CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता है गैस है, इम्पॉर्टेंट है, जो आप रेस्पिरेशन में एक्सहेल करते हैं, जो बाहर आप गैस छोड़ते हैं ना अपने नाक के थ्रू, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। प्लांट्स इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, तो वो एक अलग साइकिल है, वो आप रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, तो वो एक वो फॉर्म है कार्बन की। तो वहाँ पर कितना है, वहाँ पर भी बहुत कम अमाउंट है, वहाँ पर भी 0.03% है। आप ये देखिए, मिनरल्स आपके जो अर्थ क्रस्ट में है वो 0.02% है, और जो एयर में मिल रहा है वो 0.03% है। तो आप देखेंगे टोटल आपका 0.05% ही आपके पास कार्बन। कार्बन की अमाउंट बहुत कम है। इतनी कम अमाउंट होने के बाद भी आखिर इस कार्बन का क्या रोल है, हमारे लिए क्या ज़रूरत है, कहाँ कहाँ इसका पाया जाता है, ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका रोल क्या है, इसकी बहुत डिटेल्स आएंगी आपके सीनियर क्लासेस में, कुछ आपके अभी कमिंग लेक्चर्स में भी आएंगे। पहले हम देखते हैं कि आखिर कहाँ पाया जा रहा है। तो कार्बन जो है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जीवन के हर जगह पे कार्बन उपस्थित है। कहाँ कहाँ उपस्थित है, सबसे पहले देखिए, इट इज़ फाउंड इन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो जीवित प्लांट्स और एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, वहाँ शुगर, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोई भी चीज़ है, टी, कॉफ़ी, जो भी आपके दिमाग में आते हैं,
चीनी, अनाज, जो भी मैंने लिखा है इन सभी में आपका कार्बन उपस्थित है। यहाँ मैंने वर्ड लिखा है लिविंग प्लांट्स, तो ऐसा नहीं है कि जो नॉन लिविंग उनमें नहीं पाया जाता, उनमें भी पाया जाता है कार्बन। कैसे, आप देखिए एग्जांपल, क्लोथ्स हैं आपके पास, क्लोथ्स आपके पास है सिल्क, वूल, नायलॉन, पॉलिएस्टर, जितने भी आपके पास क्लोथ्स अवेलेबल हैं सब में आपके पास कार्बन है उसके अंदर। कैसे, आप डिटेल आगे देखेंगे। उसके अलावा फ्यूल्स, फ्यूल्स मतलब ईंधन जो आप जलाने के लिए यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम डेली यूज़ में, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि आपकी कहाँ यूज़ होती है, आपके घर में, किचन में यूज़ होती है। जो सिलेंडर आपका होता है वो आपका LPG गैस का होता है, जो आपके गाड़ियों में गैस डलती है वो आपकी CNG गैस होती है, वो भी आपके पास कार्बन है। कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, सारे जितने भी ईंधन आपके पास पाए जाते हैं सभी में कोल उपस्थित होता है, और एक अच्छी खासी मात्रा में उपस्थित होता है। कहने का मतलब है हमारे जीवन का कोई भी एरिया, कोई भी एस्पेक्ट इससे अछूता नहीं है जहाँ पर कार्बन ना पाए जाए। हम जो खा रहे हैं वो भी आपका कार्बन है, जो पहन रहे हैं वो भी कार्बन है, जो आप ईंधन यूज़ कर रहे हैं वो भी कार्बन है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे आप पेपर यूज़ कर रहे हैं, लिखने के लिए पेपर यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपका कार्बन है। रबर है, वो भी कार्बन है। प्लास्टिक आपके पास है, आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, प्लास्टिक के डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखेंगे वो भी पूरा कार्बन का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर। लेदर है, ड्रग्स हैं, डाइज हैं, डेली यूज़ की हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सब में किसी न किसी फॉर्म में मैक्सिमम आपका कार्बन उपस्थित ही उपस्थित है। तो इस बात से ये क्लियर होता है कार्बन एलिमेंट जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। तो इसके आपका सिंपल क्वेश्चन यही बन सकता है आपका कि कार्बन की इंपॉर्टेंस, अगर आपको कोई भी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आए, ऐसे अब डायरेक्ट इतने क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता कि कार्बन की इंपॉर्टेंस बताइए, लेकिन कभी कुछ हॉट्स के क्वेश्चन जहां पर हमें कई बार वो ये बता देते हैं कि ये एलिमेंट हमारा यहाँ यहाँ यूज़ हो रहा है, ये इतना वाइडली यूज है, फिर आपको उसके आगे पे कोई क्वेश्चन बिल्डअप होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझ उसकी होनी चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम आगे बाकी हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कि कार्बन में बॉन्डिंग किस प्रकार होती है। सबसे पहले हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे। पहले शेल यानी कि के शेल, जिसके अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए क्योंकि उससे ज़्यादा उसमें आ ही नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा शेल हो गया एल शेल, जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 तो पहले में चले गए और बचे हुए 4 इसमें दूसरे शेल में आ गए। हमें कैसे क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले शेल में 2 चले गए, दूसरे में 4 आ गए और इसके पास है नहीं। अगर इसके दूसरे शेल में, यानी इसका जो भी बाहरी शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 4। 4 वैलेंसी का क्या मतलब हुआ कि आइदर या तो ये गेन करे 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर ये लूज़ करे 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि ये नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर पाए, प्राप्त कर पाए। क्या मतलब है इस बात का कि जो भी बाहर के शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनकी ये कोशिश रहती है बाहर के शेल की, या तो वो गेन कर ले बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स जितनी खाली जगह बच गई है, या फिर जो अवेलेबल हैं उनको भी लूज़ कर दे, जिससे कि वो नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन कर सके। ये सारी बातें मैंने और अच्छे से वैलेंसी वाले वीडियो में भी समझाई हुई हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कार्बन में 4 ही वैलेंसी है और के एल शेल में 8 होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 में से 4 कार्बन के पास हैं, या तो वो 4 और ले ले ताकि पूरे 8 बना ले, या तो इन 4 को भी लूज़ कर दे ताकि ये शेल पूरा खाली हो जाए। क्योंकि ऐसे शेल्स या तो पूरे भरे या फिर आधे भरे शेल्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो एटम सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए एटम की ये कोशिश रहती है या तो शेल को पूरा भर लिया जाए या पूरा खाली कर दिया जाए,
जब तक या तो पूरे भरेंगे या खाली करेंगे, वही स्टेबल रहेगा, अदरवाइज स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो यहाँ पर भी कार्बन के अंदर भी, अब कार्बन में क्या हो गया, चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो अब ये चार गेन करें या ये चार लूज़ करें, तभी इसका या तो भरेगा या तो पूरा शेल खाली रहेगा। और दोनों ही चीज़ें बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके साइज़ के कारण इतने सारे चार इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उनको होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि साइज़ छोटा है, और लूज़ कर देगा वो, चार इलेक्ट्रॉन्स निकालना भी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है ये हम आगे डिटेल्स पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में। तो इसके लिए दोनों ही चीज़ें मुश्किल हैं। तो अभी बेचारा करे क्या, तो इसके पास इसने एक और तरीका निकाल लिया, इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। कैसे करता है ये भी बॉन्डिंग एक अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, उसके अंदर आपको पूरा कवर किया गया कि, और इस चैप्टर में भी हम कुछ चीज़ें इसमें भी देखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्योंकि अभी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन की ही बात कर रहे हैं, तो इसी में आगे देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्बन की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो दो प्रॉपर्टी हैं। वो दो प्रॉपर्टी क्या हैं, पहला है टेट्रावेलेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेट्रावेलेंसी, दूसरी है केटेनेशन, उस पर भी आते हैं। पहले टेट्रावेलेंसी को देख लेते हैं। टेट्रा का मतलब होता है फोर, जैसे कि हमें पता है बाजार में टेट्रा पैक्स आते हैं, मिल्क के आते हैं, जूसेस के आते हैं, जिन्हें हम टेट्रा पैक्स कहते हैं, मैगी वगैरह के आते हैं, कि चार जिसके अंदर यूनिट्स कंबाइन कर दी गई हैं उसे हम टेट्रा पैक बोलते हैं। यहाँ पर बोला है टेट्रा वैलेंसी, यानी टेट्रा मीन्स फोर, वैलेंसी मतलब जो उसकी वैलेंसी है, तो कार्बन की वैलेंसी फोर होती है, यही इसकी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन एटम चार इलेक्ट्रॉन्स के सबको शेयर कर सकता है, क्योंकि कार्बन बॉन्डिंग बनाता है शेयर करके, तो इसलिए ये चार इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, जिसको कि मैंने नीचे ऐसे भी दिखाया हुआ है कि इसको चार छोटी लाइनों से भी दिखा सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर बना के दिखा रखा है कि चार चारों साइड ये बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या प्रॉपर्टी है आपके पास, केटेनेशन। केटेनेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब है सेल्फ कॉम्बिनेशन। केटेनेशन का मतलब है सेल्फ कॉम्बिनेशन, बहुत ये वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप समझ आ रहा है। सेल्फ कॉम्बिनेशन इसका मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू कम्बाइन विद इट सेल्फ, ये अपने आप के साथ ही बॉन्डिंग बना लेता है, अपने आप के साथ मतलब अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, ठीक है, कि मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा फिर अगले एक और कार्बन के साथ, फिर एक और कार्बन के साथ, इस तरह से कार्बन अपने बॉन्डिंग बना लेता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सीधी एक चेन में होगी, ये चेन आपकी ब्रांच भी हो सकती है, सर्कल के फॉर्म में भी आ सकती है, और ये औरों के साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है। तो कार्बन की ये जो खास प्रॉपर्टी है कि एबिलिटी टू कम्बाइन विद इटसेल्फ, अपने साथ ही अपने जैसे एटम्स के साथ ही जो बॉन्डिंग बनाता है, इसी को हम केटेनेशन कहते हैं। बॉन्डिंग कैसे बनाता है, बाय कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के लिए मेरे पास पूरा एक अलग से वीडियो बना रखी, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड कार्बन कैसे बनाता है और दूसरे क्या कंडीशंस होती हैं, दूसरे कौन से एटम्स कार्बन बनाते हैं, उनके एग्जांपल्स, ये सारे मैंने अलग से कोवलेंट बॉन्ड पे जो वीडियो अवेलेबल है उस पर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसमें आप पूरी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये दो प्रॉपर्टी ही खास बातें हैं जो ये एक्सप्लेन करती हैं कि कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं। कई बार आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कार्बन के ही एटम्स कंपाउंड्स इतने ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कार्बन हर जगह अवेलेबल है। कहाँ पर है, हर जगह, जो आपको बताया था, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में, फ्यूल्स में, डाइज में, आप कोई जगह इमेजिन नहीं कर सकते जहाँ पर कार्बन नहीं अवेलेबल। आखिर कारण क्या है, क्यों उसकी खास प्रॉपर्टी है, तो ये दो प्रॉपर्टी ही हैं। आपको यही दो प्रॉपर्टी लिखनी है, टेट्रावेलेंसी और केटेनेशन, इन्हीं को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। यही आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी हैं दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आप सिर्फ आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है और आप वीडियोज़ अगर देख लेंगे तो आपका चैप्टर बहुत बढ़िया प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारी पूरी होती हैं जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और जो चीज़ें आएंगी, नेमिंग है, बहुत सारी चीज़ें, वो हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप जहाँ पर आपको डाउट आता है वैसे आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसका आंसर कर सकूँ।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और ताकि जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ बना के लाती रहूँ। थैंक यू।